बांसवाड़ा जिले से आया सर। मैं बांसवाड़ा ये 24 दिन धरने पर यहाँ पे हम सब लोगों के साथ में आए हैं और बहुत समस्या के साथ में रात को ठंड में और रात को दिन को धूप में हम ये परेशान है। हमारी मांग ये है भजनलाल सरकार से, हमारी यही मांग है कि जो एडिशनल चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे, 16 में और 18 में भी एडिशनल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई, हमने भी एडिशनल किया, मेहनत किया, 2 परीक्षा पास की है और भजनलाल सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्दी से हमारे को नियुक्ति दे, क्योंकि आचार संहिता नज़दीक है इसलिए हमें बहुत ज़्यादा वो चिंता है। हमारे बारे में सरकार को सोचना चाहिए, नियुक्ति देना चाहिए। मेरा नाम हरल सिंह बाबोर, मैं कुशलगढ़ से आया हूँ। बहुत परेशान हूँ सर, आज 24वां दिन धरना का है, सरकार हमारी सुन नहीं रही और हम रात दिन परिवार वाले भी फ़ोन करते, हम भी परेशान, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी तरह से परेशान है। हम सरकार से यही चाहते, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने पहले भी 16 और 18 के बेस पे नियुक्ति दी, उसी प्रकार से हमको भी नियुक्ति दे, इंग्लिश एडिशनल वालों को, सभी को। रामराज सरकार से यही गुजारिश है कि आचार संहिता से पहले पहले हमें ज्वाइनिंग प्रदान करें सर, एडिशनल, हमें एडिशनल थर्ड के टीचर्स को ज्वाइनिंग दे जल्दी। सर हमने 2000 इसमें पहले हमने रेट लेवल जो पात्रता परीक्षा पास की, उसके बाद हमने मेंस एग्ज़ाम्स पास की और फिर भी हम, हमारे साथी लोग हैं 6 महीने से अपना ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं और हम यहाँ दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, जबकि हमें स्कूलों में होना चाहिए। और सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि आचार संहिता से पहले पहले हमें ज्वाइनिंग प्रदान करें। सर हम 5 साल से बहुत परेशान हैं, 5 साल हो गई, एक रीट एग्ज़ाम पास करना था एक अध्यापक लगने के लिए, लेकिन हमें 5 साल इतनी मेहनत करी, उस मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकला। आज भी हम रोड पे बैठे हैं, शहीद स्मारक में बैठे हुए, हमें आज 23वां दिन है, लेकिन पहले उस सरकार कांग्रेस ने भी हमारे साथ में इतना छलावा किया और वही छलावा मुझे लग रहा है कि बीजेपी सरकार भी यही करना चाह रही है। हम 5 साल से पहले 2021 के अंदर एग्ज़ाम दिया, लेवल 1 का भी दिलाया, लेवल 2 का भी दिलाया हमसे, फिर लेवल 1 को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, बोला लेवल 1 के लायक आप लोग नहीं हो। फिर हम लेवल 2 में थे, उस पेपर को भी रद्द कर दिया लीक होने के कारण से। फिर उसके बाद में हमारे 2 एग्ज़ाम हुए, एक प्री हुआ, एक मेंस हुआ। प्री के अंदर हमने पास किया, पास करने के बाद में फिर 6 महीने बाद में हमने मेन दिया, मेन हमने पास किया, पास करने के बाद में हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। आज 6 महीने हम वेट कर रहे हैं, हमारे साथ वाले सभी स्कूलों के अंदर हैं और आज हम शहीद स्मारक पे बैठे हुए। तो हम सरकार से, इस रामराज सरकार से ये विनती करते हैं कि रामराज का मतलब होता है कि अपनी, अपने राज में कोई भी प्रजा दुखी नहीं हो, लेकिन हम तो आज भी दुखी बैठे हैं। तो ये रामराज सरकार से निवेदन है कि वो हमें जल्दी से जल्दी आचार संहिता से पहले नियुक्ति दे और हमें सांत्वना, हमारे दिल को सांत्वना मिले, हमारे परिवार वाले खुश हों और हम अपने अपने घर जाएँ। धन्यवाद सर। आज हम 23 दिन हो गए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, हमारी मतलब इतनी हालत ख़राब हो रखी है, इन यहाँ पर बैठे साथियों का चेहरा देखिए आपको, उनका दर्द जो है वो चेहरे से झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार कोई भी सूद नहीं ले रही है, किसी भी कोई मंत्री बात सुनने को तैयार नहीं है, अधिकारी अपनी मनमानी तक कर रहे हैं। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, इतना टाइम हो गया, हम एक महीना अब होने को आया है, यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। पर मेरी सरकार से, अधिकारियों से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी हठकर्मिता छोड़े और इन सारे के सारे साथी जो मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं उन सब की अरदास सुने और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करें। ये कोई नियुक्ति, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम जैसे भी नारों में बोलते हैं हम हमारा हक मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे, क्योंकि हम 2-2 एग्ज़ाम फाइट करके कट ऑफ में शामिल होकर यहाँ पे आए हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ न्याय करें और इस प्रकार की हठकर्मिता को छोड़कर हमें नियुक्ति प्रदान करें। सर मिर्जा गालिब का एक शेर है, पहले आई थी जो हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, नींद की औलाद पर नहीं आती। तो सर हमारा भी हाल वैसे ही है, पिछले 23 दिन से हम धरने पर बैठे हैं, ना हमें यहाँ चैन आता है ना रात को नींद आती है। सुबह वहाँ से उठते हैं तो यहाँ आ जाते हैं, शाम को यहाँ से जाते हैं तो वहाँ चले जाते हैं। सर अब तो मानसिकता ये हो गई कि ऐसा लगता है कि सुबह हम जैसे ड्यूटी पर जाता है ना कोई एक रेगुलर टीचर, वैसे हो गई कि हम भी सुबह ना तो कि यहाँ पर ड्यूटी पर आ जाते हैं। सरकार को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि आज का युवा जो कि स्कूल में होना चाहिए, जो आप रोज़गार की बात करते हो, तो इतनी बेरोजगारी तो आपने फैला रखी है 2 महीने के बीजेपी के शासन काल में, अधिकतर को नियुक्ति मिली नहीं है, बाकी बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है।
तो सर मेरी तो यही गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से कि सर जल्दी जल्दी हमें स्कूलों में पहुँचाओ ताकि हम भी वहाँ जाके बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें। सर काफ़ी परेशान हैं, घर वाले बुला रहे हैं क्या आ जाओ क्या करें, लेकिन इतने परेशान हैं कि उनको भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो एक उम्मीद में बैठे हैं क्या बेटा आएगा खुशखबरी सुनाएगा, लेकिन हम खुद जानते हैं कि हम अंदर से कितने परेशान हैं और कोई हमारी सुन नहीं रहा है। हम जब है ना कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में भी हम काफ़ी डोले थे, फिर चुनाव आए कांग्रेस हारी, बड़े खुश हुए कि कांग्रेस हारी तो अब हमको नियुक्ति मिलेगी है ना, लेकिन आज भी हमारे साथ में यही हो रहा है। इतने दिन गुजर गए लेकिन फिर भी कुछ अभी तक हमारे मतलब कोई रास्ता नहीं खुला है, बस एक उम्मीद के साथ में बैठे हैं कि कोई तो हमारी सुनेगा, जब सुनेगा तो हमें नियुक्ति मिल जाएगी। दो दो एग्ज़ाम पास किए हमने, 2016 में पास किया दो एग्ज़ाम पास किए, एक तो रीट का एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद में पात्रता परीक्षा, उसके बाद में हमने दूसरा एग्ज़ाम पास किया है जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होता है वो पास किया है, फिर उसके बाद में दो गुना की कट ऑफ में शामिल हुए, फिर एक गुना की कट ऑफ में शामिल हुए, फिर भी आज नियुक्ति के लिए दादर भटक रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं है सर, बड़े परेशान हैं।